सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम पाठ क्रमांक 8 का आखिरी विशेषण एडजेक्टिव, इसका आखिरी भाग देखेंगे, यानी कि भाग नंबर 5। हाँ, ध्यान से सुनिए। विशेषण बनाना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। हाँ, अब प्रत्यय जोड़ के बना के जब बनाए जाते हैं, मतलब क्या? राष्ट्र, ये अपने आप में एक शब्द है। हाँ, इसे अधिक ई लगा तो राष्ट्रीय बन गया। तो ये प्रत्यय और उपसर्ग शब्द ये है, ये लगाने से हाँ एक राष्ट्रीय अपने आप में एक विशेषण शब्द बना, जो खुद में ही विशेष रूप में वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दुख। दुख, अब ये शब्द कौन सा है? दुखी। तो ये अपने आप में एक विशेषण रूपी शब्द है, लेकिन वो कब बनता है? दुख, तो ये विशेषण रूपी शब्द नहीं है, लेकिन जब ये दुखी ये शब्द बन जाता है, दुख अधिक ई यानी प्रत्यय और उपसर्ग लगा के लगा देते हैं। ये उपसर्ग और प्रत्यय वाचक शब्द है, जो हम जोड़कर बनाते हैं किसी शब्द को, तो वो विशेष रूप में अपने विशेषण युक्त शब्द बन जाते हैं। तो विशेषण शब्द बनाना इसे ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स अधिक बल, सबल, तो ये विशेषण बना। निर अधिक जन, निर्जन। तो ऐसे जब जोड़ जोड़ के, जब जोड़ के बनाते उसको, उसको मतलब कहते ही है कि वो उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़ के बनाया हुआ एक विशेषण युक्त शब्द है, जिनका हम विच्छेद कर सकते हैं। आगे बढ़े। इसी प्रकार यहाँ पे भी दिया है, देखिए, नमक, नमकीन। अभी ये नमकीन शब्द कैसे बना? नमक अधिक इन, तो नमकीन बना। झगड़ा अधिक आलू, झगड़ालू। अ अधिक मर, अमर। अन अधिक जान, अनजान। तो ये तोड़े मोड़े शब्द है, मतलब जिनका कुछ भी भाव स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे जोड़ कर बनाते हैं तो अपने आप में वो विशेष बन जाता है। तो उसे ही कहते हैं विशेषण बनाना। जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं इन शब्दों, वो औरत झगड़ालू है, इसने आज नमकीन बनाया, देश की सेवा करते करते वो अमर बन गए। तो इस तरह से जब शब्द बनता है वो अपने आप में विशेषण रूप से या विशेष भाव से ही बन जाता है, इसलिए उसे विशेषण बनाना कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना पढ़िए और समझिए। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा के स्वरूप में है, तो वो विशेषण कब बन जाते हैं? तो हम पहले भी देखे हैं भाग 1 में, उसी प्रकार अभी भाग 5 में हम देख रहे हैं। देखिए किस तरह से, हाँ, संज्ञा और विशेषण कैसे। अब ये सुख है, सुखी, जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं, सुख अपने आप में एक शब्द है, एक संज्ञा है, लेकिन वो विशेषण कब बन जाता है? सुखी। इसी प्रकार सारे शब्द हम जान लेते हैं। सुर, सुरीला। चमक, चमकीला। बल, बलवान। संज्ञा विशेषण, हाँ, शिशु, शैशव। चौ, चांद, चांदनी। मास, मासिक। घर, घरेलू। दया, दयालु। डर, डरपोक। धर्म, धार्मिक। भारत, भारतीय। जब वाक्य में हम किसी संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो विशेषण रूप में उस शब्द का अर्थ अलग हो जाता है, जैसे सुख का सुखी हो जाता है, सुर का सुरीला हो जाता है, हाँ, तब उसे हम विशेषण युक्त शब्द बोल सकते हैं, नहीं तो वो शब्द संज्ञा ही होता है। मूल भाव उसका संज्ञा शब्द होता है, उसको अर्थ कब मिलता है? जब वो विशेषण वाक्य में
लगाया जाता है या विशेषण रूपी शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वो विशेषण शब्द कहलाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए और समझिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।